हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको बेल का शरबत बता रही हूँ। बेल बहुत न्यूट्रिटिव है और ये जो डायबिटिक हैं वो शुगर ना डाल के इसका शरबत पिए तो बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए, गैस के लिए बहुत अच्छी है। तो आइए इसका शरबत मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बेल पत्थर है, बेल बोलते हैं इसको। ये ऐसे येलोइश कलर की पकी हुई होती है जिसको मैंने हाफ हाफ कर लिया है, ये देख सकते हैं। लेमन लिया है मैंने, 1 लेमन लिया है, इसको कट कर लिया है। कुछ आइस क्यूब्स हैं, शुगर टू टेस्ट है और सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है। इसके अलावा हमें थोड़ा सा पानी लेना है। ये जो बेल फ्रूट है इसको हम ऐसे मारकर इसको ऐसे तोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से इसका निकल जाता है और ये येलोइश कलर का अंदर पका हुआ होता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर का जो गुदा है हम एक बाउल में ऐसे चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। इसे पूरा इसको अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे ये बीज हैं, हर एक के बीच में होते हैं। इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसको मिक्सी में नहीं चलाऊंगी, क्योंकि अगर बीज पिस जाएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, ऐसे इसका सारा ये हम इसमें से गुदा निकाल लेंगे और ये बिल्कुल इस टाइप से खाली हो जाएगा, ऐसे खाली हो जाएगा। ऐसे ही हम इसके दूसरे पार्ट का गुदा निकालेंगे, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ऐसे ही पूरा हमें नीचे तक इसका पूरा निकाल लेना है, पूरा स्किन रह जाए बस उसको छोड़ना है, बाकी सारा हम ऐसे चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। पहले मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, जो चिल्ड वाटर मैंने लिया है, और इसको मैं हैंड से, यानी अच्छे से आप हाथ धो लें और इसको ऐसे ऐसे मैश करें। 10-15 मिनट के लिए आप पानी में भिगोकर भी ऐसे छोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी पकी हुई है, मैं इसको इंस्टेंट बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से मैश हो गया है। मैं इसमें पानी और ऐड कर रही हूँ। बस आपको ये देखना है कि हाथ से अगर कर रहे हैं तो आपके हाथ बहुत अच्छे से सोप से धुले हुए होने चाहिए। ये देखिए, अच्छे से मैश हो गया। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इसको चम्मच की सहायता से आप पूरा से निकाल लेंगे। और जो ये बच गया है इसको हम फिर से थोड़ा पानी डाल के मैश करेंगे। ये देखिए, हम इसको फिर से स्ट्रेन करेंगे। जो हम इसका गुदा बच गया था उसको हमने दोबारा से पानी में कर लिया है। यानी एक बेल पत्थर से 3 गिलास जूस बन जाता है, तो आप 3 गिलास चिल्ड वाटर इसमें यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे जो इसका जूस निकल गया है, ये देखिए कितना अच्छा कलर है। ये देखिए, ऐसे सूखा हुआ ये हमारा बच गया जिसमें से सारा पल्प निकल गया है। 1/2 टीस्पून में इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, और 2 टीस्पून में इसमें शुगर डाल रही हूँ। आप शुगर के बिना भी यूज कर सकते हैं, जो डायबिटीज हैं, डायबिटिक हैं, उनको शुगर नहीं देनी चाहिए। वैसे ये खुद में बहुत मीठा होता है और जल्दी से डिजोल्व हो जाए उसके लिए आप पिसी हुई शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके हम इसको मिक्स कर लेंगे और लास्ट में मैं इसमें लेमन स्क्वीज करूँगी। 1 लेमन मैंने लिया है, उसको हम स्क्वीज कर लेंगे। ये मैंने 3 से 4 आइस क्यूब्स डाल दी हैं ग्लास में और अब मैं ये बेल का जो शरबत है उसको डाल रही हूँ। ये देखिए, अगर इतना बड़ा ग्लास है तो 2 ग्लास बनकर तैयार हो जाता है, अगर छोटे ग्लास हैं तो 3 ग्लास। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है और मेजरमेंट सेम रखना है। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिक्सी में बनाने के लिए मैं आपको इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि इसके बीज पिस जाते हैं और इसका टेस्ट
वो नहीं आता है जो आप हाथ से मैश करके बनाते हैं, और झाग भी हो जाते हैं, झाग भी बनने लगते हैं इसलिए। और बहुत इजी है ये, हाथ से मैश हो जाता है बहुत इजीली, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।